नमस्कार भाइयों और बहनों, इस टाइम मैं युवा एकता फाउंडेशन से भीम कुमार मिश्रा, इस टाइम हम फरीदाबाद के अगवानपुर विनयनगर रोड पर विनयनगर से खड़े हैं, जहाँ की सड़कों का हाल हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि सड़कें कितनी बुरी कंडीशन में यहाँ पे हैं। यहाँ से आती जाती गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि गड्ढों और नालियों में कितना पानी भरा हुआ है। एक बार इधर दिखाइए सबको, दूर दूर तक देख सकते हैं आप यहाँ की सड़कों का हाल क्या है। यहाँ की सरकार अपने घरों में चुपचाप बैठी है, क्योंकि उनके घरों के आगे गड्ढे नहीं है। ये गड्ढे उन आम पब्लिकों के घरों के आगे से गुजर रही है, जहाँ पे रोजाना ऑटो, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल जाने वाले बंदे होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ के कुछ बंदों से आपको बता पूछना चाहूँगा कि उनको किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए, क्या बता सकते हैं कि ये गड्ढे कब से हैं? एक साल हो गया। प्रशासन ने अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया। क्या आप अपने यहाँ के जो भी नेता या फिर प्रशासन है, जो भी यहाँ के निर्माण रोड सड़क निर्माण करता है, उनके पास गए थे कभी? जैसा कि आप लोगों ने सुना है, यहाँ के सभी बंदों को केवल सरकार की तरफ से आश्वासन ही दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कार्रवाई तो केवल कागजों में की जाती है, इनका कहना है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए हम एक ऑटो भाई से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। बताइए भैया, ये आपके बगल में जो ये गड्ढे हैं, आपके जिस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, गड्ढों का पानी होगा, क्या आप इससे कुछ बोलेंगे? ये सर हमारी ये सरकार है, ये तो विफल सरकार है, ये काम नहीं पूरी कर रही थी, तो ये क्या होगा? आइए हम एक भाई से भी पूछते हैं। भाई, आप यहाँ से निकल के आते हैं, यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, कई बार बाइकें बंद हो जाती हैं। भाई अभी तो मैं गिरते गिरते बच गया, जॉब पर जा रहा, बताओ पूरे जूते की देखो क्या हाल होते हैं, अभी गिरते गिरते बच। जैसा कि देख रहे हैं आप, बंदे जो सुबह शाम दोपहर निकलने वाले स्कूली बच्चे, जॉब करने वाले बंदे, हर तरह के बंदों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से निकलते वक्त कई बार साइकिल, मोटरसाइकिल फंस जाता है, पानियों में फंस जाता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी भी प्रशासन यहाँ की सोई हुई है, इसके पीछे कुछ भी कदम उठाने को राजी नहीं है। आइए हम कुछ माताओं बहनों से पूछते हैं इसके बारे में। सामान्य जाके बोलो ना, जो मालूम चले यहाँ से, वहाँ जाके बोलो। आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सही बात है, नाली बना देगा तो सही है, लड़ाई झगड़ा होता है, रोज के रोज पानी गिरता है, तो मच्छर काटता, वो भी बताओ ना, बीमारी का घर होता है, मच्छर के बताओ ना, कितना मच्छर काटता रहा। भाई से पूछते हैं, भाई आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे, बोलो, आपके पास नहीं। अरे बात ऐसी है, ये सड़क देख रहे हो, साल भर से ऐसे बड़ा कबाड़ा। भाई हम आपको दिखाते हैं, एक इधर से रिक्शा जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। और आगे से आने वाले एक ट्रैक्टर का भी हाल देख लेते हैं। अच्छा, ये भाई को दे रहे हो क्या भाई? स्टिकर पे लगा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए भाई साहब, जरा इधर दिखाइएगा, ये देखिए कितनी पानी भरा हुआ है। यहाँ से तो ट्रैक्टर तो चलो ऊंची गाड़ी है, ये तो निकल जाएगी, लेकिन हाथ पैर पैदल चलने वाले बंदे तो ऊंचे नहीं है, उनका क्या होगा? अब आपको दिखाते हैं, आजा भाई, आजा यार, फंस जाता है कोई गाड़ी, फंस जाता है तो इधर से बाइक वाले हो, साइकिल वाले हो, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ की सरकार कुछ करने को राजी नहीं है, अभी तो दलदल है उसमें। भाई वाले भाई साहब से पूछो, क्या तो भाई साहब आप बताओगे कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई का कहना है कि ट्रैक्टर फंसा हुआ है, यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं है। बस अब एक बार हम इधर से और ही भाइयों से पूछते हैं। भाई साहब आ जाओ, आप ही आ जाओ, आपका नाम क्या है? सिंटू कुमार।
अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? मैं रह रहे कम से कम 2 महीने से रह रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो सड़क की हालत है, ये हालात कब से है यहाँ पे? यहाँ पर तो बहुत दिन से खराब है, 2 साल से ऐसे ही है। 2 साल हो गए, यानी इलेक्शन को अगले इलेक्शन में हो जाएगा आपको उम्मीद लग रहा है? नहीं, यानी आपका क्या नाम है कि सरकार की ओर वोट लेने के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं? अच्छा, चलो ठीक है, हम युवा एकता फाउंडेशन से आए हुए हैं, हम आपकी जो भी मांग या आपको सहयोग के लिए जो भी किसी तरीके की दिक्कत हो, क्या आप हमें बुलाओगे? बुलाओगे और हमारे जो कार्यकर्ता उनका नाम जानते हो आप? क्या आपने गोभी कटारिया का नाम सुना है? क्या आप जानते हो? मैं जानता हूँ, देखा हूँ, मगर यहाँ पर आए नहीं। वो आएंगे कैसे जब आप बुलाओगे? जब तो आपको तब बुलाएंगे ना जब आप बुलाएंगे ना, जब आप उनका समर्थन दोगे। आप समर्थन देने के लिए आपको क्या? नहीं, ऐसे नहीं, जब आपको अपनी कॉलोनी में या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं करना, अपने यहाँ से लाइव एक वीडियो बनानी है, उसे फेसबुक पे शेयर करना है। क्या आप करोगे शेयर? एक बार मेरे साथ और नारा लगा दिए, युवा एकता जिंदाबाद। ठीक है भाई।